आत्मनिर्भरता का संकल्प श्रृंखला में हम आपको भारतीय जन की उस जिजीविषा के दर्शन कराएंगे जो अपने साथ साथ दूसरों को भी स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देते हैं। वाराणसी की कंचन जायसवाल तो सबके लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं। जब उनके पति ने मतभेद के बाद उनका साथ छोड़ दिया तो कंचन बड़ी मुश्किल में आ गई कि उनके बच्चों और माँ का जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन मुश्किलों का सामना कंचन ने धैर्य और साहस से किया और एक निजी विद्यालय में कैंटीन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। लेकिन कोरोना काल में जब विद्यालय बंद हुआ तो भूखे रहने की नौबत आ गई। लॉकडाउन खुलने के बाद कंचन ने ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया। आज ई रिक्शा चलाकर कंचन अपने घर का किराया, अपना और बच्चों के साथ माँ का भोजन, कपड़ा और दवाई का इंतजाम करती हैं। सलाम है ऐसी नारी को। मेरी खुशी की दवा चलती है, मेरी माँ का भी दवा चलता है। जो है कि बच्चा है हमारा 12 साल का, पढ़ाई उसका बंद हो गया। अब स्कूल जो है कि जब खुलेगा तब तक पढ़ाया जाएगा। घर में खाना खर्चा है, सबसे बड़ा मकान की किराया है, उसको पहले देना है। घर में खाना हो या ना हो, किराया पहले देना है। ये कैसे आपको याद आए कि बैटरी रिक्शा चलाए? सबका देख ही देखा कि भाई मेहनत करने से इंसान को कुछ न कुछ तो सफलता जरूर मिलता है। हम मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमको जो काम मिलता है ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। ये बैटरी रिक्शा अपना खुद का की किराए पे? मैं अभी तब तक किराए के चलाती थी। अच्छा। और ये इसका भी 100 रुपया डेली दिलाता है। टिहरी के काश्तकार मंगल आनंद डबराल न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बने बल्कि उन्होंने अपने चौपड़ियाल गांव के साथ ही आसपास के 12 गांव के 200 परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाया। मंगल आनंद डबराल ने वर्ष 1967 में नकदी फसलों का उत्पादन शुरू किया था। वे बताते हैं कि वे कुवैत में कंपनी में चालक की नौकरी करते थे। तब 1963 में वे कंपनी के कार्य से इसराइल गए थे। इसराइल में उन्होंने देखा कि लोग काफी मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। फिर उन्होंने ठान लिया कि यह भी अपने क्षेत्र में नकदी फसल उत्पादन को बढ़ावा देंगे और लोगों को भी इस ओर जागरूक करेंगे। तब से आज तक वे नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर चंबा मसूरी, फलपट्टी में सौर, जड़ी पानी, सिलोनी, बारकोट, मंची बाड़ी सहित 12 गांव के लोग भी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके पास पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, मसूरी आदि जगहों से भी काश्तकार सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचते हैं। वे अपना उत्पाद ऋषिकेश, देहरादून मंडियों में भेजते हैं। क्षेत्र के वे अकेले काश्तकार हैं जो 1 टन कीवी का उत्पादन कर रहे हैं। उत्तरकाशी के टीकाराम पवार की कोरोना महामारी के चलते दुबई में शेफ की नौकरी छूट गई। 12 मई को उत्तरकाशी अपने गांव लौटकर टीकाराम पवार ने लिंगुड़ा का अचार बनाने का काम शुरू किया। पहाड़ों में नदी नालों के आसपास लिंगुड़ा बहुतायत में होता है। पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण लगभग हर घर में इसकी सब्जी बनाई जाती है। अभी तक टीकाराम लिंगुड़ा का 50 किलो से अधिक अचार तैयार कर चुके हैं जो 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। तो देखा आपने, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो आइए अपने सपनों को साकार कीजिए। जो कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए। आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लीजिए।